हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज चलिए मैं आपको बताऊंगा कि टाटा जीप एस के गियर कैसे आप चेंज कर सकते हो। ये है टाटा एस जीप का गियर बॉक्स, और मैं बताऊंगा इसके जो गियर होते हैं, जो होते हैं 4 स्पीड गियर और पांचवा जो रिवर्स गियर होता है इसका। और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप जो इसके गियर है वो कैसे आप चेंज कर सकते हो। और आप देख सकते हो जे है मैनुअल स्टीयरिंग, जो पावर स्टीयरिंग में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी न्यूट्रल करनी है। न्यूट्रल करने से पहले पहले आपको क्लच दबाकर हैंड ब्रेक को ऊपर कर देना है, तो ताकि गाड़ी जो पीछे ना जा पाए। और जैसे हमने देखते हैं इसको सीधे हमने ऊपर कर दिया, तो ये तो इसके बाद हम क्लच दबाकर गाड़ी को अब हमने न्यूट्रल कर दिया। आप देख सकते हो गाड़ी सेंटर में जो हिस्सा होता है ये न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। और आप देख सकते हो जो इसके जो गियर है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो गियर होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसको पहला पूरा एक एक नंबर ऊपर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये रिवर्स गियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो न्यूट्रल कैसे करते हैं, जो जे बीच में हो गई बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। तो पहला गियर किस तरह डालते हैं इसका, इस लेबल को पकड़ना है, थोड़ा सा ऐसे करना, तो ये हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब दूसरा गियर आप कैसे डालेंगे, सीधा इसको पकड़ के, जे 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 हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब आप तीसरा गियर कैसे डालेंगे, जो जो जे हिस्सा है लीवर, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल करेंगे, फिर और सीधा इसको ऊपर करना है, जिस तरह जे बीच में लाइन लगी देख सकते हो आप। तीसरा सीधा ऊपर करना है, जे पड़ गया 3 नंबर, ठीक है। तो चौथा कैसे डालना है, सीधे नीचे, ये हो गया पहले न्यूट्रल, ये सोध नीचे, ठीक है, ये 4 नंबर। तो अब रिवर्स किस तरह फिर आपको न्यूट्रल करनी है गाड़ी, तो जो आपका हाथ है इसको आपने बिल्कुल ऐसे करना है, इधर की ओर खींच कर क्लच दबा कर, ये पड़ गया रिवर्स गियर। इसके 4 स्पीड गियर होते हैं और 5 रिवर्स गियर। तो इस तरह आप इसके गियर चेंज कर सकते हो। और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ इसके गियर के बारे में, ये हो गया बीच में न्यूट्रल, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है जी, आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो न्यूट्रल किस तरह, ठीक है। फिर जो पहला गियर पड़ता है वो इधर पड़ता है, इधर करना है, हाथ अपना आप इधर कीजिए, सीधे ऊपर कीजिए, इसमें कोई भी परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। और दूसरा गियर सीधे नीचे, ये दूसरा गियर पड़ गया। आप अगर आपको थोड़ी सी कोई कठिनाई होती है गियर डालने में, आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तीसरा गियर जब हम डालेंगे, थोड़ा सा हम न्यूट्रल करेंगे, फिर सीधा ऊपर कर देंगे, ये पड़ गया तीसरा। और अब चौथा इसके सीधे नीचे करके, ये हो गया चौथा पड़ गया। तो अब रिवर्स मैं फिर इसको, ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई, फिर इसका जो हिस्सा इसको इस तरह करना है, और ये हो गया रिवर्स गियर। इस तरह आप इसके गियर डाल सकते हो बिना किसी परेशानी के लिए। और देख सकते हो आप, ये हो गया पहला, ठीक है, ये इधर का रिवर्स, तो ये देखिए पहला, तो इधर रिवर्स, रिवर्स गियर होता है जब आप गाड़ी पीछे करते हो। और कई लोगों के ये भी सवाल होते हैं, क्या गाड़ी चलने के बाद अगर बैक गियर लग जाए तो क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी गाड़ी के अंदर, जब गाड़ी आप किसी भी स्पीड के